नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 यूनिक फैक्ट्स इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। होपफुली हम सबको कुछ सीखने को मिले एंड लेट्स सी इसमें से कितनों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। सो पहला फैक्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में बना था, 145 ईयर ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है। BSE की बात करें, अगला फैक्ट फिर से BSE के बारे में है। BSE में दुनिया की सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तीसरा फैक्ट, अगर हम इंडिया की इंडियन स्टॉक एक्सचेंज NSE पे जितनी भी कंपनियां हैं लिस्टेड, उन सब की मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन सब की वैल्यूएशन को ऐड कर दे और उसको कंपेयर करें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो NSE पे जो कंपनियां लिस्टेड है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10% होगी, सिर्फ 10% होगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपेरिजन में। चौथा फैक्ट, अगर हम इंडिया की टॉप 25 कंपनीज ले लें और उनकी वैल्यूएशन को जोड़ दें तो भी वो एक माइक्रोसॉफ्ट के बराबर नहीं होंगी, उससे कम होगी। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सऊदी अरामको, ये कंपनियां इंडियन कंपनीज से काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ी है। पांचवा फैक्ट, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सबसे कॉस्टली शेयर है MRF, 82,000 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड करता है ये शेयर। छठा फैक्ट, LIC इंडिया की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। सातवां फैक्ट, अगर हम निफ्टी 50 की हिस्ट्री देखें तो सबसे बड़ा क्रैश निफ्टी 50 में हुआ था 23 मार्च 2020 को। 13% मार्केट गिरा था 23 मार्च को और इसका कारण था कोरोना का डर। आठवां फैक्ट हम देखें, निफ्टी में अगर 25 साल का टाइम पीरियड ले तो निफ्टी ने अराउंड 11.1% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, विच इज़ अ रीजनेबल रिटर्न। सो दोस्तों, होपफुली आप सबको कुछ नया सीखने को मिला टुडे, कुछ नए फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू। जय हिंद।